रात के करीब 1 बजे मेहुल के पास एक कॉल आता है। कॉल करने वाला बच्चा बताता है कि उसके घर में कुछ गुंडे आ गए हैं और चोरी कर रहे हैं। मुझे अपना एड्रेस बताओ और तुम चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। मेहुल तुरंत अपनी कार लेकर उस एड्रेस की तरफ निकल पड़ता है। उस बच्चे ने चेतन नगर से कॉल किया था। मेहुल के घर से चेतन नगर तक पहुँचने के 3 रास्ते थे। पहला रास्ता चेतक ब्रिज से होकर जाता है, लेकिन चेतक ब्रिज पर दिन भर बहुत ही हाई ट्रैफिक होता है। दूसरा रास्ता गौतम नगर से होकर जाता है, लेकिन ये रास्ता काफी लंबा है। तीसरा रास्ता सबसे शॉर्टकट है, लेकिन यहाँ पे पुलिया का काम चल रहा है, इसलिए रास्ता बंद कर दिया गया है। क्लार भी क्या बता सकते हैं मेहुल तीनों में से कौन सा रास्ता लेगा? सोचिए सोचिए। तीसरा रास्ता बंद है और दूसरा रास्ता काफी लंबा है, इसलिए मेहुल पहला रास्ता लेगा, क्योंकि यहाँ पे दिन में बहुत ट्रैफिक होता है। लेकिन अभी तो रात के 1 बजे है, अभी कहाँ से मेहुल को ट्रैफिक मिलेगा। मेहुल पहला रास्ता लेता है और उस एड्रेस पे पहुंच जाता है जहाँ से उस बच्चे का कॉल आया था। ये तो किसी बहुत बड़े आदमी का घर लग रहा है। घर के अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। मेहुल तुरंत घर के अंदर जाता है। अंदर जाते ही मेहुल देखता है कि वहाँ पर एक आदमी नीचे पड़ा हुआ है। मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ, मुझे किसी बच्चे ने कॉल करके बताया कि आपके घर में चोरी हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। तब एक महिला बताती है कि सर, ये मेरा बेटा टिंकू है, इसी ने आपको कॉल किया था, लेकिन तब तक वो लोग मेरे हस्बैंड की पिटाई करके चोरी करके भाग गए थे। लेकिन वो लोग चोरी करने आए थे, फिर उन्होंने आपके हस्बैंड की पिटाई क्यों की? सर, मेरे हस्बैंड ने उन्हें रोकने की कोशिश की, शायद इसलिए उन लोगों ने पिटाई की होगी। मेहुल तुरंत डॉक्टर संजना को फोन करके एम्बुलेंस बुलाता है और टिंकू के पापा को इलाज के लिए वहाँ भेज देता है। उसके बाद मेहुल पूरे घर की तलाशी लेता है तो सारा सामान बिखरा हुआ था। वो लोग इस घर से क्या क्या चोरी करके लेके गए हैं? सर, वो लोग बहुत बड़े चोर थे और घर के सारे पैसे और ज्वेलरी चुरा के ले गए। लेकिन मेहुल समझ जाता है कि वो लोग चोरी करने नहीं आए थे, बल्कि अभिजीत की पिटाई करने आए थे। लॉजिकल आदमी मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि वो लोग चोरी करने नहीं बल्कि अभिजीत की पिटाई करने आए थे? सोचिए सोचिए। घर को ध्यान से देखिए, तिजोरी के नीचे बहुत सारे नोट पड़े हुए हैं और अभिजीत की वाइफ ने बहुत सारे सोने के आभूषण पहन रखे हैं। अगर वो लोग चोरी करने आते तो इतनी कीमती चीजें और पैसा छोड़ के नहीं भागते थे। वो चोरी तो एक बहाना था, मेन वो अभिजीत को पीटने आए थे। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ये केस तो बहुत सीरियस है। अभिजीत का घर एक बहुत बड़ा बंगला है और उसमें 3 गेट है। घर में लगे सारे खिड़की दरवाजे बंद है, इसका मतलब वो लोग मेन गेट से ही अंदर आए होंगे। मेहुल तीनों गेट चेक करता है और तुरंत समझ जाता है कि घर का कोई आदमी उन लोगों से मिला हुआ है। लॉजिकल आदमी मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि घर का कोई आदमी उनके साथ मिला हुआ है? सोचिए सोचिए। घर के तीनों दरवाजों को ध्यान से देखिए, बिल्कुल सही सलामत है और तीनों दरवाजों के पास एक एक सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा है। इसका मतलब बिना सिक्योरिटी गार्ड की मदद से घर के अंदर आना इम्पॉसिबल है। मतलब तीनों में से कोई ना कोई सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ जरूर मिला हुआ है। मेहुल तीनों सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ करता है। पहला सिक्योरिटी गार्ड कहता है, सर, मैंने दरवाजा अंदर से लॉक करके रखा था और मैं सो रहा था। जब मेम साहब के रोने की आवाज सुनाई थी तब मेरी नींद खुली, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता है। दूसरा सिक्योरिटी गार्ड कहता है, सर, मेरी रात को जागने की ड्यूटी है, मुझे जब सर के चिल्लाने की आवाज आई तो मैं भाग के अंदर गया, लेकिन तब तक वो लोग भाग गए थे। तीसरा सिक्योरिटी गार्ड कहता है, सर, मैं घर के सबसे मेन गेट पर ड्यूटी कर रहा था, लेकिन वहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं हुई, मुझे भी जब सर के चोरों से चिल्लाने की आवाज आई तब मैं अंदर भागा। तीनों की बात सुनकर मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आदमी? सोचिए सोचिए। पहला वाला सिक्योरिटी गार्ड झूठ बोल रहा है। वो कहता है कि मैम के रोने की आवाज से उसकी नींद खुली, अब ऑब्वियस है चिल्लाने की आवाज ज्यादा तेज होगी, जो बाकी दो सिक्योरिटी गार्ड्स को आ गई लेकिन उसको नहीं आई, मतलब ये झूठ बोल रहा है। मेहुल तुरंत उसे पकड़ लेता है और पूछताछ करता है, सर, आज रात को 10 बजे के करीब मेम साहब के भाई का फोन आया था और उन्होंने कहा था कि दरवाजा खुला रखना, क्योंकि अगले दिन मेम साहब की शादी की पहली सालगिरह है, वो रात को ही अपने बहन को सरप्राइज देने वाले हैं, इसलिए मैंने दरवाजा लॉक नहीं किया। लेकिन रात के करीब 1 बजे अचानक से कुछ लोगों ने मुझे गन पॉइंट पे पकड़ लिया, मैं डर गया, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया सर। सिक्योरिटी गार्ड की बातें सुनकर मेहुल को एक बहुत बड़ा डाउट होता है। क्या डाउट लॉजिकल आर्मी? सोचे सोचे सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या कहा जिससे मेहुल को डाउट हो गया?
अभिजीत के बेटे को ध्यान से देखिए, वो लगभग 8-10 साल का लग रहा है, तो फिर ये उनकी शादी की पहली सालगिरह कैसे हो सकती है? अभिजीत का बेटा इतना बड़ा है तो फिर उसकी शादी की पहली सालगिरह कैसे हो सकती है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? सर, एक साल पहले अभिजीत सर की वाइफ की डेथ हो गई थी, इसलिए सर ने दूसरी शादी की, उसको बस 1 साल हुआ है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जरूर उन लोगों को पता होगा कि आज रात को दरवाजा खुला है, वरना बंगले के अंदर आना लगभग इम्पॉसिबल है। इसका मतलब हो सकता है वो लोग अभिजीत की वाइफ के भाई के जान पहचान वाले भी हो। मेहुल अभिजीत की पत्नी से उसके भाई का एड्रेस पूछता है। अभिजीत की वाइफ बताती है कि उसके भाई का नाम राजकमल है। इसके बाद अभिजीत की पत्नी मेहुल को उसके भाई का एड्रेस दे देती है। मेहुल आलिया को फोन लगाता है। आलिया तुरंत राजकमल के घर पहुंचो, मैंने एड्रेस तुम्हें मैसेज कर दिया है। आलिया अपनी न्यू स्केटबोर्ड लेती है और राजकमल के घर की तरफ निकल पड़ती है। थोड़ी देर में आलिया वहां पहुंच जाती है। इस समय राजकमल सो रहा था, घर का नौकर उसे जगाता है और आलिया को राजकुमार के पास लेके जाता है। राजकमल, किसी ने तुम्हारी बहन के घर में घुसकर अभिजीत को बहुत मारा है। तुम कल रात को अभिजीत के घर आने वाले थे लेकिन फिर नहीं आए। जरूर इसके पीछे तो तुम्हारे हाथ होगा। नहीं मैम, मैं अपनी बहन को सरप्राइज देने वाला था और मैंने बहुत सारे गिफ्ट भी खरीद लिए थे, लेकिन मेरी गाड़ी पंचर हो गई। राजकमल आलिया को गाड़ी के पास लेके जाता है। उसकी कार के पहिए में कीले थे जिससे गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। मैम, कल शाम को जब मैं ऑफिस से घर आया था तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही रात को मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो टायर पंचर था। लगता है रास्ते में ऑफिस से आते टाइम कीला लग गया होगा। मिस्टर राजकमल, तुम्हारी कार का टायर किसी ने पंचर नहीं किया है, बल्कि किसी ने जानबूझकर ये किया है। लॉजिकल आर्मी, आलिया को ऐसा क्यों लगता है कि राजकमल की कार का टायर किसी ने जानबूझकर पंचर किया है? सोचिए सोचिए। कार के टायर को ध्यान से देखिए, कीला आधा बाहर है। अगर रास्ते में कीला टायर में लगा होता तो कीला आधा अंदर आधा बाहर नहीं होता, बल्कि पूरा अंदर होता, सिर्फ उसका हेड दिख रहा होता। मतलब किसी ने पार्किंग में जानबूझकर किया है। मिस्टर राजकमल, आज रात तुम्हारे घर पे कौन कौन था, मुझे सभी लोगों से पूछताछ करनी है। मैम, कल रात में मेरे घर मेरी छोटी बहन थी, मेरा ड्राइवर था और एक नौकर था। आलिया तीनों से पूछताछ करती है। राजकमल की छोटी बहन कहती है, कल रात मेरा पेट बहुत दुख रहा था इसलिए मैं जल्दी सो गई थी, मुझे कुछ भी नहीं पता है। नौकर कहता है, करीब रात 10 बजे मेरे घर से कॉल आया था तो मैं 1 घंटे के लिए घर गया था, मुझे भी कुछ नहीं पता है। ड्राइवर कहता है, मैं बहुत थक गया था इसलिए गहरी नींद में सो गया था, मुझे भी कुछ नहीं पता है। तीनों की बातें सुनने के बाद आलिया को किसी पे शक जाता है, वो कौन है लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए। राजकमल की छोटी बहन झूठ बोल रही है, क्योंकि अगर उसका इतने जोरों से पेट दुख रहा था तो उसे नींद कैसे आ सकती है और उसने किसी को बताया क्यों नहीं? आलिया उसे पूछताछ करती है, मेरी बड़ी बहन यानी अभिजीत के वाइफ ने मुझे कॉल किया था और कहा कि राजकमल रात को किसी से लड़ाई करने जाने वाला है, इसलिए गाड़ी को पंचर कर देना, और इसलिए ही मैंने भैया की गाड़ी को पंचर कर दिया। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब ये पूरा ड्रामा अभिजीत के वाइफ ने किया है। अरे मुझे भी मेहुल सर की आदत लग गई, मैं अब भी अभिजीत के घर जाती हूँ। आलिया अभिजीत के घर के लिए निकल जाती है, तभी अचानक उसे एक चोर भागते हुए दिखता है। इसको तो अब भी मैं पकड़ती हूँ। आलिया अपने स्केटबोर्ड को स्पीड बढ़ाने के इंस्ट्रक्शंस देती है। स्पीड अप, स्पीड अप, इसको क्या हो गया? अरे यहाँ इतनी नॉइस है कि ये मेरी इंस्ट्रक्शंस ही नहीं ले रही है। अब कैसे पकड़ूं इन चोरों को? ये साइंटिस्ट की स्केटबोर्ड के वजह से आज मेरे हाथ से चोर निकल गए। आलिया गुस्से में आ जाती है, तभी स्केटबोर्ड बंद पड़ जाती है। साइंटिस्ट, उफ, अब पहले साइंटिस्ट के पास जाके ये स्केटबोर्ड फिक्स करना पड़ेगा। आलिया मेहुल को फोन लगाती है। हेलो सर, यहाँ पे तो पूरा झोल हो गया है। राजकमल की बहन को तो अभिजीत के वाइफ ने टायर पंचर करने को बोला था, आप अच्छे से खबर लेना उसकी। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मेहुल अभिजीत की वाइफ से पूछताछ करता है तो उसकी वाइफ कहती है कि उसने अभिजीत के लिए सरप्राइज प्लान किया था, इसलिए उसने राजकमल की कार को पंचर करने का प्लान बनाया, नहीं तो राजकमल आ जाता था। तभी एक गार्ड वहाँ पे आता है। सर, मुझे पीछे एक वॉलेट पड़ा हुआ मिला है, शायद ये वॉलेट से कुछ क्लू मिल जाए। मेहुल वॉलेट ओपन करता है तो एक कंपनी का कार्ड मिलता है।
अरे ये तो हमारी ही कंपनी है, मतलब ये कार्ड हमारे ही कोई एम्प्लॉय का होगा। मेहुल अभिजीत की वाइफ और पुलिस को लेके कंपनी में पहुंच जाता है। मेहुल अंदर जाता है, मेहुल को देखकर एक आदमी वहां से भागने लगता है। मेहुल जंप लगा के उसे किक मारता है और उसे पकड़ लेता है। सर अभिजीत ने हम सबको धोखा दिया, हमारे पैसे शेयर मार्केट में लगा दिए और पूरे डुबा दिए। हमारे पास अब कुछ भी पैसे नहीं बचे सर, इसलिए हमने अभिजीत सर की पिटाई करने का प्लान बनाया। मेहुल उसे और बाकी एम्प्लॉयज को भी पकड़ लेता है। केस सॉल्व, आलिया और डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स।